फ्लूइड्स। तो अब शंट रेजिस्टेंस के लिए आप इक्वेशन डिनोट किए थे क्या बेटा, एस इज इक्वल टू जी अपॉन एन माइनस वन, यही इक्वेशन है। और दो इक्वेशन डिराइव करने वाला हूँ विच इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट इज फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट एसोसिएट विद द गैल्वेनोमीटर, इसकी मीनिंग 100% करंट फ्लो हो रहा है अमीटर में, तो कितना परसेंटेज गैल्वेनोमीटर में फ्लो होना चाहिए और कितना परसेंटेज शंट रेजिस्टर में फ्लो होना चाहिए। ये फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है बेटा मुझे, फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है मुझे, ठीक है। नाउ देखिए, नाउ ये सी आई एम राइटिंग एज ए नोट, नोट मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए नोट, ध्यान से देखो नोट, क्या बेटा एस इज इक्वल इक्वेशन, देखो फर्स्ट पॉइंट एस इज इक्वल इक्वेशन बता दो मुझे, जी अपॉन एन माइनस वन, एन माइनस वन फ्रॉम दिस एन माइनस वन इक्वल टू जी अपॉन एस, ठीक है। हाँ ये क्या बेटा एन इज इक्वल टू जी अपॉन एस प्लस वन, देयरफोर एन इज इक्वल टू जी प्लस एस अपॉन एस, बट ऑलरेडी पता है आपको एन इज इक्वल टू आई अपॉन आई जी, आई अपॉन आई जी, देयरफोर आई अपॉन आई जी इक्वल टू जी प्लस एस अपॉन एस। सो अल्टीमेट यू कैन राइट आई जी अपॉन, दिस इज द फ्रैक्शन आई जी अपॉन इज इक्वल टू एस अपॉन जी प्लस एस, ये होगा बेटा फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट ओके फ्लोस थ्रू द व्हाट हियर गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कितना परसेंटेज करंट फ्लो हो रहा है टोटल करंट में से, देखिए तो आई जी अपॉन आई इक्वल टू एस अपॉन जी प्लस एस। फिर सर आई एस अपॉन आई क्या होना चाहिए, शंट रेजिस्टेंस कितना परसेंटेज फ्लो होना चाहिए परसेंटेज के, देयरफोर सिमिलरली आई एम राइटिंग हियर आई एस अपॉन आई एस अपॉन आई इक्वल टू एस अपॉन जी प्लस एस। ये दो इक्वेशन याद रखिए, रिमेंबर दिस इक्वेशन, रिमेंबर दिस इक्वेशन ओके। क्या बेटा यहाँ आई एस अपॉन आई इक्वल टू एस अपॉन जी प्लस एस, देखो कैसे याद रखना चाहिए, कैसे याद रखना चाहिए, यह आई एस है, देखिए आई एस इज इक्वल टू राइट, यह आई एस है राइट, आई एस है तो यहाँ जी होना चाहिए न्यूमिनेटर में, ये तो कॉमन है जी प्लस एस तो कॉमन है यहाँ, और यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये आई जी है, आई जी है तो उसको उल्टा जी है तो यस होना चाहिए, जी है तो यस होना चाहिए, याद रखो आई जी अपॉन आई इक्वल टू एस अपॉन जी प्लस एस, आई जी है तो जी है तो यहाँ एस होना चाहिए और यस है तो जी होना चाहिए, ऐसे याद रखो इक्वेशन, समझा ना, आई जी अपॉन आई इक्वल टू एस अपॉन जी प्लस एस ये तो कॉमन है, और आई एस अपॉन आई इक्वल टू जी अपॉन जी प्लस एस, समझा ना ओके। अब सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, हाँ बताओ बेटा अमीटर, अमीटर ऑलवेज ऑलवेज कनेक्टेड, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इन सीरीज विथ, इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर, इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर, और यू कैन राइट हियर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, विथ इलेक्ट्रिक सर्किट, विथ इलेक्ट्रिक सर्किट, ये पॉइंट याद रखो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, क्यों सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए मैं एक्सप्लेन किया था, ये क्यों कनेक्ट करना चाहिए क्योंकि मुझे टोटल करंट मेजर करना है, इन केस पैरेलल कनेक्ट किए तो क्या होता बेटा करंट डिवाइड होने के चांस, डिवाइड होने के लिए चांस, जब करंट डिवाइड हो रहा है तो आप टोटल करंट मेजर नहीं कर सकते ओके राइट। थर्ड पॉइंट, मुझे टोटल 100% करंट मेजर करना है विच इज फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, इसीलिए 100% मेजर करने के लिए विदाउट एनी एरर द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर मस्ट बी व्हाट हियर जीरो, अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, देयरफोर देयरफोर फॉर फॉर आइडियल, फॉर आइडियल
For ideal ammeter, resistance must be, क्या होना बेटा, must be zero. To measure the total current, resistance of ammeter क्या होना चाहिए, आइडियल ammeter zero. But it is highly impossible. थोड़ा तो resistance है क्या, 100% measuring the current is not possible in the electric circuit. Okay, ये ideal, तो ये board के लिए chance है बेटा, board MCQ के लिए chance है. For ideal ammeter the resistance is zero. याद रखो, board के लिए important है, right? It is for related to the what ammeter concept. Now next topic, मुझे ये भी बेटा याद रखो, board point of view के लिए important है. तो वहाँ क्या लिखना चाहिए, बी लिख दो, बी लिख दीजिए, बी मीन्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है. दैट इज बोर्ड, और मैं यहाँ त्रिमास लिख रहा हूँ, मास भी लिख रहा हूँ, देखो अकॉर्डिंग टू दिस त्रिमास के लिए इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, त्रिमास के लिए इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन. कन्वर्शन, कन्वर्शन ऑफ गैलोनोमीटर, into voltmeter, galvanometer तो मुझे voltmeter convert करना है, ammeter already convert किए थे अपन, देखिए कैसे convert किए थे, conversion of galvanometer into the ammeter, correct the very small resistance in parallel, क्योंकि resistance वालों मुझे decrease करना है, conversion किए थे. अब बेटा voltmeter मुझे convert करना है. With help of this voltmeter, we can measure the potential difference across the two points, in the electric circuit, across the two point. Got it? तो potential difference measure करने के लिए मुझे maximum value चाहिए, potential difference की value. तो resistance must be increases, resistance की value ज़्यादा चाहिए. V directly proportional to R. If I is constant, V equal to IR. V equal to IR. If steady current flows, I constant, the V directly proportional to R. To get maximum potential difference across the resistance R, R must be increases. So the resistance कब increase होता है बेटा? Series combination. कब increase होता है? Series combination. That is why to increase the resistance most. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मुझे इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट द वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर. वहां पर स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट किए थे एमीटर, ओके, फॉर्मेशन के लिए, एमीटर फॉर्मेशन के लिए. या हाई रेजिस्टेंस क्यों कनेक्ट कर रहा हूं, I want maximum output, maximum potential difference. R की वैल्यू कम है तो फिर V की वैल्यू भी थोड़ा कम रहेगी. तो V वैल्यू इंक्रीज करने के लिए R की वैल्यू क्या होना चाहिए, शुड बी वेरी वेरी हाई. नाउ तो कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू द वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज. चलो मैं सर्किट डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, देख लीजिए, कम ऑन, सर्किट डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, देखो कॉन्सेंट्रेट कीजिए ओके, राइट, आप भी ड्रा करो बेटा, आप भी ड्रा कीजिए सर्किट डायग्राम, अरे हो आप भी ड्रा करते जाओ, मेरे साथ ड्रा करते जाओ डायग्राम, राइट, ठीक है. ये आर क्या बेटा, आर, ये आर सर्किट का रेजिस्टेंस है, ठीक है, सर्किट का रेजिस्टेंस है, डायग्राम ड्रा करते जाओ अभी, ठीक है. हाँ, एक्स, जो आपके बोर्ड में जो नोटेशंस है ना, वही नोटेशंस यहाँ यूज कर रहा हूँ, वही नोटेशन, वही लेटर लिख रहा हूँ, देखो वो लेटर भी चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सेम लेटर्स जो टेक्स्ट बुक में दिए ना, वही लेटर लिख रहा हूँ मैं, देखिए, नहीं तो फिर कन्फ्यूज हो जाते थे. हाँ, ठीक है, राइट, हाँ, जो बोर्ड में चाहिए कोई नोटेशन लिख दे रहा हूं. हाँ, यहां बेटा ये एक्स ले रहा हूं मैं, एक्स ले लीजिए, ये एक्स,
रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। ये तो सर्किट का रेजिस्टेंस है, ये हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इफ द कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, सो दिस इज कॉल्ड वोल्टमीटर। ये होगा वोल्टमीटर, ये पार्ट वोल्टमीटर, ये पार्ट क्या है, वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करना चाहिए सर्किट में, पैरेलल कनेक्ट करना चाहिए। अब ये देखो, ये पोटेंशियल डीवी, ये क्या बेटा, ये वी, ये वी वैल्यू देनी चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वोल्टमीटर, क्योंकि पैरेलल, क्योंकि पैरेलल। देखो ध्यान से देखिए, ये होगा टोटल, ये टोटल, ये पार्ट होगा वोल्टमीटर। वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करना चाहिए, पैरेलल कनेक्ट करना चाहिए। अगेन डाउट, और एक डाउट, पैरेलल क्यों कनेक्ट करना, सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या होना चाहिए। Why it is connected in parallel? क्योंकि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट मेजर करना है, टू पॉइंट्स मेजर करना है बेटा पोटेंशियल, इसलिए पैरेलल कनेक्ट करना चाहिए। सर बाय मिस्टेक मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, बाय मिस्टेक मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सर फिर क्या होगा, सपोज मैंने सीरीज में कनेक्ट किया ये वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर हैज मैक्सिमम रेजिस्टेंस, देखो ऑलरेडी मैं हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूँ, सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ, इट हैज मैक्सिमम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ज्यादा आया, जब रेजिस्टेंस ज्यादा है करंट सर्किट में फ्लो रहा है तो इट इमीडिएटली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा आई, मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक करंट में करंट फ्लो रहा है उसकी मैग्नीट्यूड कम कर देती है इफ यू कनेक्ट इन सीरीज बाय मिस्टेक। तो इसलिए क्या करना बेटा, वोल्टमीटर पैरेलल ही कनेक्ट करना चाहिए। देख ऐसे सोच के देखो, सर ने तो बोला पैरेलल, सपोज मैंने सीरीज कनेक्ट किया तो फिर क्या होता, ऐसे डाउट आना चाहिए आपको, ऐसे डाउट आना चाहिए, जब भी बेटा हर एक पॉइंट हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, समझाएंगे। तो क्या होना चाहिए, सपोज वोल्टमीटर में सीरीज में कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट करने से इट इज डिक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस, समझा ना, इसलिए पैरेलल कनेक्ट करना चाहिए टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। सो अब ये होगा बेटा, ये वोल्टमीटर, ये पार्ट वोल्टमीटर, राइट, मुझे वी कैलकुलेट, ये पोटेंशियल डिफरेंस वी कैलकुलेट करना है मुझे, वी ये वी है, टोटल वी है, ये वी, ये टोटल वी है बेटा, ये वी, ओके ठीक है। अब यहाँ करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, समझ लो आई जी करंट, ये आई जी है तो यहाँ भी आई जी होना चाहिए, क्योंकि दोनों भी सीरीज है, दोनों भी क्या है, सीरीज में सेम करंट फ्लो होना चाहिए, सीरीज कनेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, ये आई जी, ये आई जी, राइट, हाँ, बट सीरीज कनेक्शन में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। तो यहाँ एक्स एक्स की पोटेंशियल डिफरेंस चालू, यहाँ मैं पोटेंशियल डिफरेंस वी एक्स ले रहा हूँ अक्रॉस, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मैं ले रहा हूँ वी जी ले लीजिए, ठीक है। देन वो टोटल पोटेंशियल, अच्छा डेरिवेशन पार्ट, हाँ, तो क्या फाइंड आउट करना है बेटा मुझे, फाइंड आउट करना मुझे सीरीज रेजिस्टेंस, ओके। इक्वेशन ऑफ एक्स ये कैलकुलेट करना है मुझे, इक्वेशन ऑफ एक्स कैलकुलेट करना। सो बोर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कैसे आता, देखिए बोर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ वी कन्वर्ट दी गैल्वेनोमीटर इन टू दी वोल्टमीटर एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर सीरीज रेजिस्टेंस, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर, ये होगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, अब देखिए इक्वेशन ऑफ एक्स मुझे कैलकुलेट करना है, इक्वेशन ऑफ एक्स वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो क्या बेटा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, V इक्वल टू क्या है, वी जी प्लस क्या ना राइट हियर, हाँ Vx, V equal to Vg nothing but V equal I into R, IG, R क्या बेटा यार, G resistance of galvanometer plus Vx value, Vx nothing but again IG into X, okay, so यहाँ से देखिए V, IG take outside, can I write here, G plus X, तो यहां से बेटा g प्लस एक्स इज इक्वल टू v अपॉन आई जी, देयरफॉर x इज इक्वल टू v अपॉन आई जी माइनस जी, खत्म, दिस इज द सीरीज रेजिस्टेंस।
इक्वेशन फॉर सीरीज रेजिस्टेंस वी अपॉन आई जी माइनस जी. आई जी करंट फ्लोज थ्रू दी गैल्वेनोमीटर, वी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी वोल्टमीटर, जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. नाउ लेट वी इक्वल टू एन टाइम्स दी वी जी. अब मैंने जो पढ़ाया था मीटर में वही कंसेप्ट, एन टाइम ज्यादा है समझो, वी इज ग्रेटर देन Vg, n times more, suppose that. तो बेटा ये वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, ये वैल्यू यहाँ सब छूट कर दो. x is equal to n Vg upon Ig minus g. But potential by current is nothing but resistance. Potential divided by current is called resistance. Which resistance? A g galvanometer. तो इट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. तो ये वैल्यू यहाँ सब चुट कर दीजिए. देयरफॉर हाँ कम ऑन बताओ बेटा क्या होना चाहिए. देयरफॉर हाँ एक्स इज इक्वल टू एन जी माइनस जी. देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू टेक जी आउटसाइड एन माइनस वन. खत्म हो गया. वहां देखो जी अपॉन एन माइनस वन, बट n इक्वल टू आई अपॉन आई जी या g इज इन टू एन माइनस वन वे n इक्वल टू v अपॉन वी जी. ये याद रखना बराबर, v अपॉन वी जी व आई अपॉन आई जी नंबर. क्लियर, दिस इज व्हाट सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस. क्लियर. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस टू वोल्टमीटर, नोट हाँ बताओ बेटा. For ideal voltmeter, ये बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड टाइप ऑफ एमसीक्यू के लिए चांस है. For ideal voltmeter resistance क्या होना चाहिए. वह अमीटर के लिए रेजिस्टेंस जीरो लिया था क्योंकि मुझे टोटल करंट मेजर करना है, या रेजिस्टेंस क्या है मुझे इंक्रीज करना है. आइडियल वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी. इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली. आइडिया जस्ट assumption, इन्फिनिटी. याद रखो ये क्वेश्चन पूछा तो आंसर क्या लिखना चाहिए, इन्फिनिटी नंबर. ठीक है. सेकेंड वोल्टमीटर क्या बेटा, वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन हाँ पैरेलल ओके इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल कनेक्ट करना चाहिए वोल्टमीटर. और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कन्वर्ट करने के लिए हाई रेजिस्टेंस वैल्यू सीरीज में कन्वर्ट करना चाहिए. डोंट कन्फ्यूज. गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कन्वर्शन के लिए हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दो विद दी गैल्वेनोमीटर. हाँ ये कनेक्ट करने के बाद जो टोटल है ये ऑपरेटर दैट इज वोल्टमीटर कनेक्ट करना चाहिए पैरेलल. क्लियर. सो दिस इज द टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद द वोल्टमीटर. ओके गॉट इट. एनी डाउट कुछ डाउट है तो बेटा मैसेज कर दे जाओ, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट्स रिमेंबर. ओके राइट. Yeah.